नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में क्रिजाल की जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रेसिव्स आती है उनके बारे में डिफरेंस बताऊंगा। मैं अभिषेक गोयल, एक सीनियर कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड कॉन्टैक्ट लेंस स्पेशलिस्ट हूं। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हम मार्केट में प्रोग्रेसिव ग्लासेस लेने के लिए जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सी वाली प्रोग्रेसिव हमारे लिए अच्छी रहेगी या कौन सी प्रोग्रेसिव हमें लेनी चाहिए। तो जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हमें स्टोर जो भी ऑप्टिकल स्टोर होता है हमें बताता है कि इसमें इस वाइड एंगल प्रोग्रेसिव आती है या नॉर्मल एंगल प्रोग्रेसिव आती है तो उसमें क्या क्या फ़र्क रहता है, तभी मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो क्रिजाल की जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रेसिव आती है उसमें क्या फ़र्क रहता है और वाइड एंगल का क्या मेन फंडा है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। तो ये देखिए दोस्तों, ये है एसिलोर कंपनी। ये देखिए एसिलोर कंपनी है, इसी का ही क्रिजाल शीशा आता है जो कि वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इस क्रिजाल की काफ़ी सारी प्रोग्रेसिव्स आती है, तो आज मैं आपको इन्हीं के कंपनी के लीफलेट के माध्यम से बताऊंगा कि इनकी जो डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोग्रेसिव आती है उसमें क्या फ़र्क रहता है। तो इनकी जो बेसिक जो प्रोग्रेसिव जो स्टार्ट होती है वो इनकी स्पेक्स नाम से एक प्रोडक्ट आता है उससे शुरू होती है, और फिर जो इनकी रेंज जो जाती है वो अप टिल वेरिलैक्स एक्स सीरीज तक जाती है। तो इन सब में क्या फर्क है मैं वो आपको बताऊंगा। तो ये देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोग्रेसिव क्या चीज है। प्रोग्रेसिव में देखिए, ये बाइफोकल शीशा इन्होंने दिखाया है कि बाइफोकल अगर हम शीशा लगाते हैं तो कोई भी जो दूर की चीज है, फार लिखा हुआ है यहां पर, जो फार की चीज है वो एकदम साफ दिखेगी और जो नियर की जो नियर का जो ऑब्जेक्ट है वो साफ दिखेगा, लेकिन जो इंटरमीडिएट जो होता है वो साफ नहीं दिखता। तो इसीलिए प्रोग्रेसिव शीशा डेवलप हुआ। तो प्रोग्रेसिव में क्या रहता है कि नियर मीडियम और फार सारे लेवल पे हमें क्लियर दिखता है, क्योंकि उसमें बाइफोकल की तरह कोई भी लाइन नहीं होती। अब जो इनका जो अलग अलग प्रोग्रेसिव जो आती है, जो हमने सुना होगा वाइड एंगल है या शॉर्ट एंगल है, तो उसमें क्या फ़र्क रहता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो इनकी जो सबसे पहली जो प्रोडक्ट आता है स्पेक्स प्लस डिजिटल, तो इसमें क्या फ़र्क रहता है स्पेक्स प्लस डिजिटल में, जो देखिए जो भी कोई ग्लास होगा, जो भी ग्लास का एरिया रहता है उसमें कंपनी कहती है ये जो लाइन के जो ये वाला जो हिस्सा है वो डेड एरिया होता है, इसमें कोई भी पावर नहीं दी जाती। जो हमें जो दिखना होता है वो इतने एरिया जो इन्होंने मार्क ये करा हुआ है, मतलब इस मार्किंग के जो अंदर वाला हिस्सा है उसी से हमें दिखता है। तो हमें जो सबसे पहले जो इनका प्रोडक्ट आता है स्पेक्स डिजिटल जो प्रोडक्ट है उसमें जो डेड एरिया जो है, ये देखिए लाइन जो है इसके अंदर का ये डेड एरिया है, यहाँ से हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, ये डेड एरिया है। अगर हम इसी का दूसरा प्रोडक्ट देखें स्पेस डिजिटल जो शीशा आता है उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये जो एरिया है वो बढ़ गया है, जो एरिया जो व्यूइंग एरिया है हमारा देखने वाला जो हिस्सा है वो बढ़ गया है और जो डेड एरिया है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें जो ये वाला जो एरिया है वो बढ़ गया है और डेड एरिया कम हो गया थोड़ा सा। तो इसी तरह जो इनका जायन जो एक प्रोडक्ट आता है इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि डेड एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गया और व्यूइंग जो एरिया है जिससे हम देख सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो ये क्लियरली ये दिख रहा होगा आपको, ये जो इनकी जो स्टार्टिंग रेंज है जो इनकी ये आती है, ये इनका मैं आपको प्राइस भी बता देता हूँ। जो क्रिजाल की जो प्रोग्रेसिव स्टार्टिंग रेंज है वो 5600 से शुरू हो जाती है, 5666 और 75, हज़ार का अंदाजा सा फ़र्क है। वो फ़र्क इसीलिए ही है जो कि इसका जो एरिया जो है वो एंगल जो है वाइड एंगल प्रोग्रेसिव हम जिसे बोलते हैं वाइड एंगल हो जाता है। तो यही फ़र्क है इस वाली प्रोग्रेसिव में और इस वाली में।
अब ये तो इनकी रेगुलर रेंज है, इनके बाद जो इनकी जो पेटेंट जो प्रोडक्ट आते हैं वो है इनके वेरिलैक्स, आपने सुना होगा वेरिलैक्स जो ग्लासेस आते हैं इनके, ये देखिए ये वेरिलैक्स की, ये वेरिलैक्स इनका एक पेटेंट, ये एसिलॉर कंपनी का, ये एसिलॉर कंपनी का पेटेंट प्रोडक्ट है वेरिलैक्स। तो वेरिलैक्स आप लोगों ने सबने सुना ही होगा जैसे कि, तो वेरिलैक्स में भी इनकी चार रेंज आती है, ये देखिए वेरिलैक्स प्रोग्रेस, वेरिलैक्स लिबर्टी, वेरिलैक्स कंफर्ट और वेरिलैक्स फिजियो और वेरिलैक्स ई सीरीज और वेरिलैक्स एक्स सीरीज। ये इनके जो छः प्रोग्रेसिव आती है जो कि इन नॉर्मल प्रोग्रेसिव के बाद ये वाले प्रोडक्ट्स इनके शुरू होते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें और इसमें क्या फर्क है प्रोग्रेसिव में। तो अब मैं आपको वेरिलैक्स की जो सीरीज है उसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए जो वेरिलैक्स की जो इनकी रेंज स्टार्ट है वो वेरिलैक्स प्रोग्रेस नाम से इनका ग्लास आता है, उससे इनकी स्टार्टिंग होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिगर में, इन्होंने इस वाले में काफ़ी ज़्यादा, जो इसमें देखिए ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो डेड एरिया है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और व्यूइंग एरिया जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये इसी इसी चीज़ की कॉस्टिंग जो होती है वह बढ़ जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नॉर्म, ये देखिए मैं इनका स्केल है, स्केल से आपको दिखाता हूँ जो इस जो एक नॉर्मल जो रेंज में जो प्रोग्रेसिव आती है उसका जो व्यूइंग एरिया है, देखिए व्यूइंग एरिया जो है अंदाजा सा 2.4 इनका जो है व्यूइंग एरिया आता है 2.4। और अगर हम यही चीज़ वेरिलैक्स में अगर हम देखें तो जो व्यूइंग एरिया है, ये देखिए ध्यान से जो व्यूइंग एरिया जो ये दे रहे हैं वो अंदाजा सा 3 पॉइंट, ये देखिए ये व्यूइंग एरिया जो है 3.4 के आसपास है। उसमें हमने देखा था ये 3.4 और इसमें जो आ रहा था बहुत ही कम था 2.4। तो वह मतलब पूरे का पूरा काफी ज्यादा वाइड इसमें जो है, इसमें और वेरिलैक्स की जो इनकी सीरीज है काफी ज्यादा जो व्यूइंग एरिया है काफी ज्यादा इसमें हमें मिल जाता है। और अगर हम रेट की बात करें तो अगर हम इनका जायन जो प्रोडक्ट लेते हैं, जायन डिजिटल, वो क्रिजाल में जो इनका शीशा है 7500 का है और इनकी जो वेरिलैक्स की जो रेंज स्टार्ट है वो भी मतलब 7500 से शुरू है। तो मेरे हिसाब से अगर जो जो जायन ले रहे हैं जिनको नहीं पता, तो सबसे बेस्ट है वो इनका वेरिलैक्स की जो प्रोग्रेस जो स्टार्टिंग रेंज है वो ले सकते हैं, क्योंकि उसकी और उसकी कॉस्टिंग जो है वो सेम है। इसके बाद जो इनकी वेरिलैक्स लिबर्टी बहुत ही पुराना प्रोडक्ट है, मैंने बहुत लोगों को लगाया है, उसका व्यूइंग एरिया आप देख सकते हैं और ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें जो डेड एरिया जो है देखिए काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, इसकी रेंज 10,700 की है। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो व्यू डेड एरिया काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। वेरिलैक्स कंफर्ट जो इनकी आती है वह 13,900 रुपये की है। इसके बाद वेरिलैक्स फिजियो आती है इनकी, तो वेरिलैक्स फिजियो 3.0 वो क्रिजाल में आपको 20,600 रुपये के लगभग पड़ेगी। तो इसमें तो देखिए ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो डेड एरिया है वो सिर्फ इतना ही है, आपको पूरे के पूरे ग्लास से आपको व्यूइंग एरिया मिलेगा। जैसे कि हमने जो देखा था इसमें जो जो व्यूइंग एरिया था, व्यूइंग एरिया जो है इसमें अंदाजा सा 3.4 का आ रहा है जो, और इसमें जो इनका वेरिलैक्स फिजियो में, ये 3.5 का थोड़ा सा अंतर है। इसमें अंतर क्या आ रहा है 3.4 और 3.5 में, ये देखिए नीचे का जो व्यूइंग एरिया जो है वो तो तकरीबन सेम है, लेकिन जो यहाँ का जो साइड का जो विजन होता है वह इसमें इंक्रीज हो गया है। अगर हम ध्यान से देखें, ये देखिए इसमें जो साइड का जो विजन है यहाँ पर पूरी मेरी एक उंगली तक आ जाती है, इतना डेड एरिया है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो मेरी उंगली नहीं आती बिल्कुल भी, थोड़ा सा ही डेड एरिया है। और यही फिजियो और हमारी जो ई सीरीज जो आती है, ये देखिए इनकी जो ई सीरीज है
उसमें भी काफ़ी कम हो जाता है, मतलब इसमें भी सुपर वाइड एंगल मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा व्यूइंग है, बेसिकली कस्टमाइज्ड सारी प्रोग्रेसिव्स बनती है। और ये वेरिलक्स की ई सीरीज़ है, और उसके बाद जो लास्ट जो आती है इनकी वेरिलक्स की एक्स सीरीज़। और इसमें भी देखिए आप देखेंगे कि बहुत ही मतलब व्यूइंग एरिया बहुत ज़्यादा है, डेड एरिया बिल्कुल ना के बराबर है। और इसकी जो रेंज है वो 23,000 के लगभग शुरू होती है, अगर आप लेना चाहें क्रिजाल की तो। ये 23,000 का शीशा है, और एक्स सीरीज़ जो स्टार्टिंग रेंज है, और जो इनकी ई सीरीज़ है 17,450 का है, और फिजियो 360 20,000 लगभग। इनकी जो फिजियो ई सीरीज़ और एक्स सीरीज़ तीनों का लगभग जो है 20,000 से 23,000 के बीच में है, और व्यूइंग एरिया भी इनका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। तो आप तीनों में से आपको जोन सा अच्छा लगे, थोड़े फीचर्स अलग अलग हैं, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। आशा करता हूँ अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो वेरिलक्स की एसिलॉर की जितनी भी प्रोग्रेसिव आती है कम रेट वाली और इनकी जो महंगे रेट्स वाली, उसमें क्या फ़र्क रहता है। सभी में जो देखिए जो स्टार्टिंग का जो शीशा है उसमें व्यूइंग एरिया काफ़ी कम है। ऐसा नहीं है कि ये जो प्रोग्रेसिव है ख़राब होती है, नहीं लगानी चाहिए, मैंने बहुतों को लगाई है, ये भी सूट बैठती है, अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन किसी किसी जिसको वाइड एंगल चाहिए तो वो अपना इस हिसाब से आप ले सकते हैं कि जोन सा आपको सूट करे वो प्रोडक्ट आप ले। अभी अभी आपने देखा एक नॉर्मल प्रोग्रेसिव और वाइड एंगल प्रोग्रेसिव में क्या फ़र्क होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।